हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। गूगल शीट में एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सम एक फॉर्मूला कैसे काम करेगा। दो फॉर्मूलों का मिक्सचर होता है ये तो पता ही है और काफी कॉमन हो चुका है सम इफ, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इन सबको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने में भी ठीक लगेगा। तो ये बोल्ड हो गया। अब यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, इक्वल सेलेक्ट करेंगे प्राइस को और मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट से, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो ये टोटल आ गया और फिर इनेबल फिल हैंडल यहाँ पर आई जाता है, तो ये सब आ गया इस तरीके से। अब हमको सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हुए ये पता करना है कि रेडमी के कितने सेट बिके, ठीक है। तो ये कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर दिखाता हूं करके, ये देखिए इज इक्वल टू सम इफ, ये लगाना है ना, सम इफ ये फॉर्मूला लगाया हमने और अब ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या करना है आपको, यहां से ये सेलेक्ट करना है, ये मोबाइल्स के नेम है, इनको सेलेक्ट कर लीजिए। आप कर लिया, ठीक है, कॉमा देंगे। अब हमें किस मोबाइल के बारे में बात करनी है, किस मोबाइल को पता करना है कि कितना बिका, तो हम ये देखना चाहते हैं कि Redmi का जो सेट है वो कितना बिका। अब कॉमा दे दिया, अब इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए यूनिट, क्योंकि हमको यही पता करना है कि कितना बिका है, ठीक है। तो यूनिट पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और अब इसको क्लोज करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ 8 आ रहा है, तो 8 का मतलब क्या है, रेडमी देखिए यहाँ पर 4 बिका है और देखिए रेडमी कहाँ है, एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे 4 है, बाकी नीचे तो रेडमी है नहीं, तो यहाँ पे रेडमी का पता चल गया कि 8 तो रेडमी बिका है, ठीक है, रेडमी का फोन। अच्छा मान लीजिए कुछ और पता करना है, ये पता करना है कि कुल कितना रुपए का बिका है, रेडमी वाला फोन कितने रुपए का बिका है, तो यहाँ पे फिर वापिस से लगाइए सम इफ, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने सम इफ लगाया और फिर यहां पर आइए और फिर वापस से वही चीज, ठीक है, कर लिया। यहाँ पे ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब हमको ये पता करना है कि रेडमी कितने रुपए का बिका है, तो इसको सेलेक्ट किया और फिर हम यूनिट को नहीं सेलेक्ट करेंगे, फिर हम खाली इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन पहले यहाँ कॉमा देंगे तब, ऐसे नहीं, ठीक है। तो यहां पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूं पहले, फिर कॉमा देता हूं, रेडमी का ही पता करना है और अब इस टोटल को सेलेक्ट कर लेता हूं, बस अब इसको बंद करना है और एंटर प्रेस करना है। तो कुल मिलाकर के 54,400 रुपए का रेडमी बिका है। तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं, कोई और भी पता करना हो तो वो भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी, ठीक है। एक्सेल के जैसे ही है ये, तो इज इक्वल टू सम इफ फिर लगाता हूं, एक बार और दिखा देता हूं कि ये कैसे होगा। ये सम इफ लगाया हमने, अब मान लीजिए कि नोकिया का पता करना है, ठीक, इस तरह से नोकिया ले लीजिए, ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ये रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा दिया। अब हमको ये पता करना है कि जो नोकिया है फोन वो कितने रुपए का बिका है, तो नोकिया को ही सेलेक्ट करना है आपको। तो देखिए नोकिया कहाँ है, ये है ना, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दीजिए। अब यूनिट पता करना होगा तो यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और अगर टोटल पता करना है तो टोटल सेलेक्ट कर लेंगे। तो पूरा टोटल का रेंज सेलेक्ट कर लीजिए और इसको बंद कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए 32,000 का कुल बिका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोकिया, कुल मिला के नोकिया कितने का बिका है, 32,000 का बिका है। तो यहाँ पे देखिए 8,000 का एक सेट है और 4 बिका है, तो 32,000 रुपए यहाँ पे आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।